नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं अंजना आपका एक बार फिर से लाइफ ऑफ इंडियन वुमेन में स्वागत करती। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये कैट पूछ रही है आप कैसे हैं। ये देखिए इसमें मैंने कौन सा प्लांट लगाया है, ये तो मैंने आपको बहुत बार दिखाया है। ये देखिए स्माइली मुस्कुराते हुए, देखिए कितने अच्छे से टर्टल की बेल, ये देखिए टर्टल वाइन कितना अच्छे से हो रखा है। और ये मेरा फैंसी, ये तो मैंने आपको दिखाया था पर्पल कलर वाला, तो मैंने अब हैंग कर दिया यहाँ पे विंडो में अपने, ये वाइट वाला। ये वाला देखेंगे पिटूनिया, ये भी मैंने खुद से लगाए थे। और ये मैंने डॉग फ्लावर इसमें भी बॉटल में डाल रखा है, ये इसमें प्रॉब्लम आई थिंक आने वाली है इसमें भी। तो फ्रेंड्स सुबह के समय जब भी थोड़ा सा उजाला हो जाता है, मेरा सुबह का यही रूटीन है कि मैं सुबह उठ के सारे फ्लावर्स देखती हूँ। देखिए पैंसी मैंने लगाया था, इसमें एक बर्ड आ चुकी है, देखते हैं कौन से कलर का इसमें फ्लावर आने वाला है। वाओ, मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट है कि कौन से कलर का आएगा, क्योंकि पर्पल और वाइट तो मेरे पास है। तो मेरा यही काम है सुबह गार्डन में घूमना, फ्लावर्स देखना, और आज बहुत फॉगी मौसम है। तो देखते हैं अब बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में ये टेस्टी टेस्टी कचौड़ियाँ। देखिए मैं किस चीज़ की कचौड़ी बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। आप जब पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने किस तरह बनाई खस्ती बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ। तो अभी देखिए उसके लिए मैंने क्या करा है। तो फ्रेंड्स मैंने ये चने दाल को हल्का बॉईल करा है, एक सीटी लगाई है इसको, और हल्का देखिए आप देख रहे होंगे बिल्कुल मतलब मैशी नहीं है, हल्का कच्चे कच्चे टाइप का इसको बॉईल कर लिया है। और मैं अब इसको ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल इसका मिक्सचर बना लूँगी। और तब तक मैंने लिया है आटा, मैंने 4 कटोरी आटे में मैंने 1 कटोरी मैदा मिलाया है, जिससे थोड़ा जो हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बने। आटे की भी बनाएं तो हम वो भी बन सकती है खस्ता बहुत ही टेस्टी। और मैंने इसमें मोइन के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, ये डाल दिया मैंने 1 सर्विंग स्पून। और ये मैं अच्छे से इसको आटे को इसमें मिला लूँगी, इससे हमारी जो पूरियाँ बनेंगी, जो कचौड़ियाँ बनने वाली है खस्ता बिल्कुल जो आप बाज़ार में खाती हैं कुरकुरी खस्ता, और बहुत ही टेस्टी बनने वाली हैं। तो ये ज़रूर देखिएगा आगे पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने किस तरह बनाई। देखिए अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। अब जब आटा ऐसे मुट्ठी सी बनने लग जाएगी, जब आप जैसे अच्छे से उसको मोइन को मिला लेंगे, जब मुट्ठी से ऐसे मिलने लग जाएगी तो आपको पता चलेगा आटा रेडी है। अब मैंने इसमें काला नमक मिला लिया, अजवाइन मिला लिया, और ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें वाइट नमक भी मिलाया, क्योंकि इसका टेस्ट अलग आता है और काले नमक का जो हम डालेंगे उसका थोड़ा चटपटा अलग सा टेस्ट आता है। तो मैंने इसके लिए हल्का गुनगुना पानी लिया है इसको गूंदने के लिए। तो देखिए आटा मैंने गूंद लिया है, और ये मैंने थोड़ा टाइट गूंदा है आटा, इससे कचौड़ियाँ जो बनेंगी बहुत ही क्रंची और खस्ता बनेंगी। तो ये देखिए जो मैंने चने की दाल ग्राइंड कर ली है, ये हमने ग्राइंडर में ग्राइंड करनी है, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है ऐसा, अगर आप पानी ज़्यादा मिलाएंगे तो वो गीली हो जाएगी। तो देखिए मैंने 1/2 टीस्पून इसमें मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं, मैंने आटे में भी नमक डाला है। तो हम ये देखेंगे कि आटे में और ये ज़्यादा अगर हम मसाले में मिला लेंगे नमक तो ज़्यादा नमक ना हो जाए, तो स्वादानुसार नमक डालिए। इसमें मैंने धनिया भी देखिए कट करके डाल दिया, बहुत ही टेस्टी होती है चने दाल कचौड़ी। आप एक बार बना के देखिए, घर में इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता टेस्टी और क्रंची बनने वाली है। और ये देखिए आटा अभी मैंने गोली लोई ले ली है, और वो मैं अच्छे से बिल्कुल हाथ से ही ऐसे टिप से, देखिए इसके लिए मैंने कटोरी बना ली है, और मैंने तेल कढ़ाई में पहले ही गर्म कर लिया है। देखिए आप उतना ही मसाला लें, उतनी ही फिलिंग लें जो बाहर ना आए, और हमारी जो कचौड़ियाँ वो फटे ना। बहुत आराम से बनाइए, बहुत अच्छे से बनती हैं ये कचौड़ियाँ घर में। देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ, तो ये मसाला ऐसा है कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं इससे कचौड़ियाँ। आप एक बार मिलाइए बना के देखिए, और ये देखिए किस तरह बनाऊँगी मैं, बिल्कुल फटेंगी नहीं ये। मैंने बिल्कुल देखिए लोई किस तरह कर लिया है, अच्छे से दबा के पहले उसको देख लेंगी कहीं से बाहर मसाला तो नहीं निकल रहा है। और ये देखिए हल्का हल्का हम इसको बेल लेंगे। इसमें हमने मैदा भी मिलाया है थोड़ा, आप बिना मैदे के भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है गेहूँ की, पर मैंने इसमें थोड़ा मैदा भी मिलाया। ये देखिए कितने अच्छे से आया शेप भी। अब मैं ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम मीडियम फ्लेम में इसको डाल देंगे। तो ये हमने हाई फ्लेम में नहीं बनाना, अगर हम हाई फ्लेम में बनाएंगे तो वो पक तो जाएंगी पर अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी, जल जाएंगी, अच्छा नहीं आएगा टेस्ट, क्रंची नहीं बनेंगी,
और हम इसको मीडियम फ्लेम से फिर उसको सिम कर देंगे। उसमें सिम में ही हम इसको बहुत देर पकाएंगे, उससे क्या होगा डीप फ्राई जब ये अच्छे से होगा तो ये बहुत ही खस्ता बनेंगी। देखिए तो कचौड़ी बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है पर बहुत ही खस्ता टेस्टी बनती है अगर हम थोड़ा टाइम आराम से बनाएंगे। तो ये देखिए अभी बन रही है कचौड़ियाँ। तो चना दाल कचौड़ी आप बना के देखिए एक बार, बहुत ही टेस्टी होती है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। मेरे बच्चों के लिए मैंने बनाई थी तो बोले थे मम्मा बहुत क्रंची बनी है, तो उन्होंने बोला मम्मी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी ट्राई कीजिए और घर में जब आप बनाएंगे सबको खिलाएंगे बोलेंगे कि बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एक बार आप ट्राई करके देखिए। तो सब आपकी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं, और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए फिर वो भी आपसे ज़रूर बोलेंगे कि हमें भी बताइए कैसे बनाई रेसिपी, तो क्या इसकी रेसिपी है किस तरह बनाया, तो ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार ट्राई करके देखिए। इस तरह धीरे धीरे देखिए कितना मैं अगर फ्लेम मैंने बिल्कुल गैस का मैंने देखिए सिम करा हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम में मैं बना रही हूँ। अभी देखिए मैं दूसरी कचौड़ी बना रही हूँ। तो इस तरह आराम से बनाना है जिससे वो फटे भी ना और उसका मसाला बाहर ना आए। और हम इसको चटनी के संग खा सकते हैं, सब्जी के संग खा सकते हैं, और बच्चे तो इसको फिलहाल ऐसे भी खा लेते हैं क्योंकि इसमें दाल अंदर से है। अभी ये देखिए मैंने दूसरी भी डाल दी एक ही ऑयल में, क्योंकि ऊपर वाली मेरी जो कचौड़ी है वो लगभग पक चुकी है। और इसी तरह मैं दोनों के दोनों एक साथ बना दूंगी। आप कचौड़ियों का साइज़ थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, मैंने मीडियम लिया है, छोटा भी नहीं है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और ये बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये देखिए वाओ बहुत ही टेस्टी लग रही है, देख के देखिए कितने अच्छे से इसका शेप देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही क्रंची है। मैं आपको सुनाऊँगी भी कितना क्रंची बना है ये। और ये देखिए मैं और बना रही हूँ कचौड़ियाँ। तो फ्रेंड्स इस तरह हम बनाते रहेंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी कचौड़ी की। तो ये देखिए अभी रेडी हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको खाऊँगी पनीर की सब्ज़ी के संग और चटनी के संग, आप इसको चटनी के संग भी खा सकते हैं। देखिए कैसी आवाज़ आ रही है इसमें, और आप जो बनाएंगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। देखिए इसकी फिलिंग भी दिखाऊंगी मैं आपको, अभी बहुत गर्म है तो ये देखिए कितने अच्छे से फिलिंग आई है इसमें, बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पता है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और छोटे छोटे व्लॉग्स बना के मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। आप मुझसे जुड़िए, आपको पता चलेगा मैं किस तरह की वीडियोज़ और व्लॉग्स बनाती हूँ। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।